हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड शोल्डर लॉन्ग गाउन बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आप जिस साइज का बनाना चाहते हो उसी साइज का एक पेपर ड्राफ्ट बना लीजिए। फिर उसको अपने फैब्रिक पर रखकर उसका शेप ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से हम कर लेंगे। हम जो कढ़ाई करेंगे उसको ड्राफ्ट पे वो जगह मार्क कर लेंगे। उसको हम कट करके फिर अलग कर लेंगे। ये चेस्ट का पार्ट है और ये हमारे स्लीव का है। जो हमारे स्लीव पे कर्व्स रहेंगे, जो ऑफ शोल्डर वाला पार्ट रहेगा वो पार्ट है। फिर हम उस कट किए हुए पार्ट को लेके स्लीव और बॉडी पे उसको ट्रेस कर लेंगे। इस पार्ट में हमारी हाथ से एम्ब्रॉयडरी होगी, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 रुपी कॉइन। उस 1 रुपी कॉइन को हम 1 1 इंच पे रख के पूरा ट्रेस कर लेंगे। मैंने 7 सर्कल्स बनाए हैं और उसके बाद हम कढ़ाई करेंगे। तो कढ़ाई करने के बाद हमारी कढ़ाई, हमारा जो स्लीव है और पार्ट है वो इस तरह से दिखेगा। लाइनिंग पे हमने इसको रख के मार्किंग कर ली है। अब हम लाइनिंग को भी ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका स्कर्ट एरिया कट करेंगे। ये 6 कली का गाउन है, इसलिए हम ये 1 इंच हम इधर से मार्किंग के लिए निकाल देंगे। और हमारी वेस्ट है 24, तो हम उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा आ जाएगा 4। 1 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे। हम उसके बाद हम 5 इंच की मार्किंग करेंगे कली के लिए। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। ये हमारा इधर डबल है, तो इधर हम 2.5 इंच लेंगे। फिर इधर 5 इंच रखेंगे। और हमने मार्किंग कर ली है, तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारी 6 कलियां बन जाएंगी। सबसे पहले हम स्कर्ट की कली को जोड़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 कलियां आगे के लिए हम जोड़ेंगे और 3 कलियां पीछे के लिए अलग अलग से जोड़ेंगे। फिर उसको हम बाद में साइड से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमारी कली ऐसी दिखेगी और आगे पीछे दोनों अलग से ही जोड़ना है। स्कर्ट के बाद हम स्लीव्स पे काम करेंगे। स्लीव्स को पहले ऐसे रॉन्ग साइड रख लेंगे हम। ये मेरा राइट साइड है, इसको अंदर की तरफ रहेगा और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगा। और ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है। तो चलिए पहले ये जो हमारा कोल्ड शोल्डर वाला पार्ट है, पहले उसको सिलना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सिलेंगे क्योंकि इसमें कर्व्स है और कर्व्स को बहुत अच्छे से लेके उनको सिलना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया है। अब यहाँ हम नीचे का भी पार्ट अंदर से ही सिलाई कर लेंगे। मतलब इसको ऐसे ही पलट के इसके हेम को भी सिल लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से दोनों स्लीव्स तैयार हो कर लिए हैं। मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं सिल के। अब हम अपर पार्ट पे काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कंधों को जोड़ लेंगे। देखिए मैंने इसके कंधे को भी जोड़ लिया है और मेरा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसका भी मैंने शोल्डर जोड़ लिया है। तो अब मैं देखिए मैंने स्लीव्स को कच्ची सिलाई लगा के अटैच कर दिया। अब मैं इसको पक्का करूँगी। उसके बाद हमारा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको
नीचे स्कर्ट से अटैच करेंगे। स्कर्ट और बॉडी को अब जोड़ दिया है और मैंने ये एक बेल्ट बनाई हुई है, तो मैं यहाँ ये बेल्ट लगाऊंगी ऐसे। हमारा चेस्ट और स्कर्ट जुड़ गया है, तो अब हम दोनों साइड से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम आर्म्स से शुरू करेंगे, आर्म से जोड़ते जोड़ते हुए इसको सिलाई लगाते हुए सीधा पूरा स्कर्ट एरिया तक जाएंगे और उसके बाद स्कर्ट हेम पर जाके इसकी सिलाई ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हम दोनों साइड से करेंगे, लेफ्ट आर्म साइड से भी और राइट आर्म साइड से भी। स्कर्ट हेम एरिया को हमने सिलने के लिए ये एक 3 इंच चौड़ी पट्टी पे 2 इंच चौड़ा बकरम चिपका लिया है प्रेस करके। इसको अब मैं हेम स्कर्ट के हेम एरिया से अटैच कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको पलट के सिलाई लगा दूँगी। फिर हम इस पट्टी को रंग साइड में पलट के पूरा सिलाई लगा देंगे। ये बकरम वाली पट्टी है और फाइनली हमारा स्टिचिंग यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए हमारा गाउन तैयार हो गया। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो बाय बाय, थैंक यू।